ये एक एनिट का आयो प्रोग्रामर है टर्बो एडिशन। इस मॉडल पे बहुत सारे आयो चिप का एक्चुअली समझ लो सबसे ज़्यादा काउंटेबल या सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला प्रोग्रामर है आयो, केवल और केवल आयो। तो अब इसका अनपैकिंग करेंगे, उसको ओपन करेंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है, फर्स्ट सेटअप क्या लगेगा हमको, ठीक है। तो उसको देखते हैं, उससे पहले कुछ कुछ काम ये करेंगे कि सबसे पहले इसके साथ में हमको मिलेगा क्या, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए एक मैनुअल मिला है। एक्चुअल मैनुअल नहीं है, ये क्या है, इसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक दिया है इसमें, ठीक है। डाउनलोड एनी एसआईओ प्रोग्रामर टर्बो एडिशन सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर। तो ये रही उसकी वेबसाइट http://init_turbo, ठीक है। तो इस वेबसाइट में या इस लिंक से इसका हम ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं पहले से डाउनलोड करके रख चुका हूँ। इसके साथ हमको मिलेगा ये वाली केबल, जो कि हमारी डायरेक्ट आयो चिप के साथ में लगेगी। साथ में यहाँ पे एक जिग मिला हुआ है। अब इस जिग में एक पिन तो ग्राउंड का हो गया, और बाकी इन केबल का क्या देखते हैं, 3 और 2 5। तो इस केबल का क्या यूज है आगे देखेंगे। ओपन करने पे तो ये है दरअसल इसकी पूरी पीसीबी, एनी टेसायो प्रोग्रामर टर्बो एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे देखने से तो ब्लैंक पीसीबी लग रही है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, फिलहाल बॉक्स को साइड कर देता हूँ। ये स्टैंड के लिए ये दिया हुआ है नीचे, यहाँ भी चिप है, कई बार होता है रखने पे शॉर्ट आउट ना हो बल्कि। तो अब यहाँ पे हमारा 3 कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ये है कि ये है, अरे 3 कनेक्टर। और यहाँ पे कुछ कुछ ब्लैंक्स पिन दी हुई है। यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि जहाँ तक मुझे पता है कि नुआटोन के चिप को डायरेक्टली आयो चिप को एक छोटी सी पीसीबी होती है, जिसके साथ डाल करके इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे RT8090F में आयो चिप को डायरेक्ट सोल्ड करके जो प्रोग्राम करते हैं, सेम उसी तरह। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है, जो कि मेंशन है यहाँ पे जी, यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है GABCDE, ठीक है। तो यहाँ पे जी का मतलब है यहाँ पे ग्राउंड, और यहाँ से फिर ABCD। तो ध्यान देना, हमको जो कनेक्टर मिला हुआ, ये वाला कनेक्टर, इस कनेक्टर में एक ग्राउंड वाले पिन है, ये जो USB दी हुई है, जिसको हमको डायरेक्ट बोर्ड पे लगाना होता है ग्राउंडिंग देने के लिए, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाला साइड यहाँ पे इस ग्राउंड, तो सिंपल देख सकते हैं, ये रेड कलर का पिन ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी ABCD उसके साथ में मेंशन हो जाएगी। वो अब इस तरह से इसको कनेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी हो गई, इसके साथ में एक कनेक्टर मिला नहीं है हमको, इस तरह का प्रिंटर वाला एक केबल यूज करना पड़ेगा, या हम किसी RT8090F वाले प्रोग्रामर का केबल भी हम यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम सभी में इसी कॉम पोर्ट वाली ही देती है। तो अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, फर्स्ट सेटअप एक बार इसको पावर लगा के देखता हूँ कि यहाँ पे क्या दिखता है। तो एक बार ये कनेक्टिविटी को दिखाया, और यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया, ध्यान देना, LED जली रेड वाली, ये दिखाता है पावर को, ये केवल पावर इंडिकेट करने के लिए, लेकिन जब प्रोसेस में होगा तो इसकी कलर और चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इसका मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, और इसके सॉफ्टवेयर कैसा है और इसमें क्या क्या हमको यूज करना है और कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो जब इसका सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे इस तरफ को इसका क्या मिलेगा, विंडो ओपन मिलेगा, जहाँ पे ये इनिट टर्बो एडिशन वर्जन 4.x, और यहाँ पे डेट दिया हुआ है 1/8/2019। नए अपडेट फाइल में उसका डेट चेंज हो जाएगा जो भी होगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्लीज सेलेक्ट योर EC। तो सेलेक्ट योर EC मतलब कि पहले आयो चिप को सेलेक्ट करिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दिखा रहा है, जैसे कि ENE KB90XX, मतलब KB90 के जितने भी सीरीज के नंबर होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। IT का होगा तो इसमें IT, नुआटोन में अगर JTAG दिया हुआ है ये उसके लिए। यहाँ पे एक दिया है एडिट एलसीडी, मतलब इससे हम स्क्रीन के भी अंदर का भी जो बायोस उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिया है कि कीबोर्ड टेस्टिंग,
तो हम इससे कीबोर्ड को भी टेस्ट कर सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, 30 पिन 26 पिन 32 पिन, ठीक है। यहाँ पे एक मैक की हमारी चिप आती है जो कि जेटेक के थ्रू देता है, एक्चुअल में बीजे वाली होती है आयो चिप जिसको पिन के थ्रू कनेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके जेटेक के थ्रू मतलब जैसे RT809F में हम लोग जब फर्स्ट टाइम KB9012 प्रोग्राम करते थे तो उस टाइम केबल नहीं हुआ करता था, हम क्या करते थे इस टाइप के केबल से उसमें जंपर लगा करके आयो प्रोग्राम किया करते थे, तो सेम उसी तरह इसमें जेटेक वाला है। और यहाँ पे नुआ टोन का SPI का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो इस बोर्ड का मॉडल देख सकते हैं LA9901P, ठीक है। यहाँ पे एक बोर्ड रखा हुआ है, एक्चुअली वर्किंग बोर्ड है, बस ये फर्स्ट टाइम ओपन करो और फर्स्ट टाइम स्टार्ट करो तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे होगा, इसके लिए हमको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी और ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है एक फ्रेशर के लिए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम मैं भी यूज करूँ तो मेरे लिए मैं भी फ्रेशर हूँ उसके लिए सीधे सीधे। तो मुझे करना क्या, सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा सेटअप कर ले, सेटअप क्या कि मदरबोर्ड हो, डीसी जैक लगा होना चाहिए, ठीक है। ये केवल किस चीज को प्रोग्राम कर रहे हैं, सबसे पहली बात अभी आयो चिप। पहले क्या हुआ करता था, पहले के जो आयो चिप हुआ करते थे पुराने मॉडल्स के, उनमें कंपनी वाले पहले से उस चिप को प्रोग्राम करके दिया करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, जब से टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हुई आगे बढ़ी है, इस चिप को ऐसा बनाया गया है कि इसको यूजर जैसे जो भी रिपेयर करने वाले वो भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे जैसे हमारा बंद वाला कंडीशन या हमारा बायोस में पासवर्ड है, तो बायोस वाला पासवर्ड भी इस आयो चिप के अंदर में ही दे दिया गया है, तो इसको प्रोग्राम करने की जरूरत अपने को पड़ेगी। साथ ही जैसे कभी आयो चिप खराब हो गई, नया चेंज किए, अब नया चेंज करने के बाद इस मदरबोर्ड की सेटिंग के हिसाब से उसका बायोस डालना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हमको ये सब प्रोग्रामर की जरूरत है। अब यहाँ पे केबल कितना मिला है सबसे पहले देख लेते हैं और क्या क्या साइज का केबल है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 8 टाइप का, ये पूरा 8 डिफरेंट डिफरेंट साइज और टाइप का यहाँ पे देख सकते हैं। 0.8mm 32 पिन, 0.8mm 30 पिन, 0.5mm ठीक है 32 पिन, 28 पिन, 32 पिन, 24 पिन, 26 पिन और यहाँ पे दिया है 30 पिन, ठीक है। तो अब इन्हीं में से इन टोटल कीबोर्ड वाले कनेक्टर का यूज करके आयो को प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे मेरा एक बोर्ड पड़ा है, जिस बोर्ड में देख लेता हूँ कितने पिन का है, मेरे ख्याल से इसमें 30 पिन का होगा, तो 30 पिन का केबल रहने देता हूँ। काउंट कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में कितने पिन का है, ठीक है। तो ये है मेरा कीबोर्ड वाला कनेक्टर, तो यहाँ पे ये इधर से होगा 1, तो यहाँ पे लकीर की निशान दी हुई है, 5-5 पे रहता है हमेशा पेयर पे ये, तो यहाँ से लेकर के 5, 10, 15, 20, 25 और ये टोटल 30 पिन, ठीक है। साथ ही कभी भी केबल अपन लगाएंगे तो एक चीज और कंफर्म कर लेंगे, MM का हमको कंफ्यूजन बहुत होता है कि कितने कितने MM का है, उतना टेप लेकर तो हमारे पास होगा नहीं, स्केल तो होगा नहीं जो नाप सकते हैं। ऐसे केस में सिंपल एक ट्रिक यूज करें कि ऐसे आपका हमने सामने एक पिन को मिला के देख लो बराबर उसके साइज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे अगर इधर आगे पीछे हुआ या बीच बीच में कुछ छूटा पिन, इसका मतलब वो साइज अलग होगा, तो जो एग्जैक्टली मैच करता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बराबर पूरा का पूरा सभी पिन मैच कर रहा है आपस में, इसका मतलब ये वाला कनेक्टर इसके साथ में लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कीबोर्ड में डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, इसको फिलहाल पावर निकाल दिए रहता हूँ इसका। यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे कनेक्टर तो हमारा 30 पिन का है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 32 पिन, तो 30 पिन का कनेक्टर तो दिया ही नहीं कहीं पे सोचोगे तो, है ना। यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है, ये प्रोग्रामेबल है, अपने हिसाब से जितना पिन हम यहाँ पे चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं उसी के साइज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अलग अलग MM का अलग अलग कनेक्टर दिया है इसमें, जैसे हमारा फिलहाल ये 30 पिन का है तो मेरे ख्याल से 0.8mm जो भी दिया होगा उसके हिसाब से क्या है ये कनेक्टर दिया हुआ है, तो इस कनेक्टर में इसको लगा लेंगे। हमको ध्यान नहीं देना यहाँ पे कि 32 पिन है तो हमको 30 पिन कैसे लगाएं, एक से लेकर के 30 तक का जो भी पिन होगा वो काउंट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और लगाने के बाद एक दो चीज जो पहले ही कंफर्म कर ले, क्या पहले कंफर्म कर ले कि ये सारी पिनें प्रॉपर लगी हूं। कई बार होते हैं हमारे लगाने पे गलती होता है कि आगे पीछे लगा देते हैं, तो इसके लिए छोटा सा तरीका यूज करें, मल्टीमीटर ले लें और मल्टीमीटर में
कंटिन्यूटी में रख के इसका फर्स्ट पिन और इसका फर्स्ट पिन आपस में देख लें कनेक्टिविटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं दिया मतलब मेरा कनेक्टर भी फिलहाल ठीक से नहीं लगा है, ठीक है। तो यही काम हमको सबसे पहले करना है, अदरवाइज फिर उधर प्रोग्राम करने के लिए लगे रहेंगे और कुछ नहीं दिखाने वाला वो। साथ ही लास्ट पिन भी देख लेता हूँ, तो इधर 32 है, ये 31 और ये होगा 30 पिन, मतलब अभी प्रॉपर ये लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब सीधे इसको मल्टीमीटर फिलहाल काम करता हूँ, एक दो चीजें और कर लेनी है। केबल लग गया बराबर, एक यहाँ पे ग्राउंड वाले पिन दिया है, ठीक है। इस ग्राउंड वाले पिन को बोर्ड की यूएसबी वाले पोर्ट में लगा देंगे जिससे इस बोर्ड का ग्राउंड भी कनेक्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। एक चीज और करना है कि इसके लिए हमको इस आईओ को सप्लाई भी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए इसका चार्जर जो भी है उसको कनेक्ट कर लिया, लेकिन ऑन नहीं करना, ध्यान देना। जब प्रोग्रामर हम चालू करे रीड करने वाला काम, उस टाइम में उसको ऑन करना है। उससे पहले हमको और क्या क्या सेटिंग लगेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है, क्या चीज, हमारी ENE, ध्यान देना यहाँ पे मेरे आई चुप जो है ENE का KB9012 का दिया हुआ है, ठीक है, KB9012। तो उस हिसाब से ये मेरे KB सीरीज का मेरा ये हुआ ENE का, है ना, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट। ये कनेक्टेड नहीं है बोला, यहाँ पे ध्यान देना मेरा भी ये निकला हुआ है, जिग नॉट कनेक्टेड बोल दिया USB, मतलब क्योंकि मेरा निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। ये हो गया कनेक्ट, अब फिर यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट, खुल गया ये। अब खुलने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड कहने का मतलब मदरबोर्ड का जो पार्ट नंबर है, तो जैसे कि यहाँ पे देख 9901P, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देख ले 9901P कहाँ पे दिया है हमारा। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिस लिस्ट में से हमको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो 9901P जहाँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, 9901P। यहाँ पे ध्यान देना, बगल में हमको एक लिस्ट दिया है KS03 18, KS14 5, KS16 26, ठीक है। ये एक्चुअल हमारी मदरबोर्ड में इस कीबोर्ड की सेटिंग है कि आईओ चिप का कौन कौन सा पिन किस किस पिन के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी इसका यूज कैसे करेंगे वो देखना। नेक्स्ट यहां पे बोल रहा है कि सेलेक्ट FFC केबल यूज, तो कहने का मतलब कितने पिन का केबल आपका यूज हुआ है उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो यहां पे हमारा केस जो है वो 30 पिन का है, ठीक है। अब ध्यान देना है, हमको सबसे पहले हमको ये सेटिंग चाहिए, ध्यान देना। आईटी के केस में हमको यहाँ पे कुछ सेटिंग इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ENE के केस में हमको यहाँ पे एक पिन डिटेल ये जो दिया गया है ना ऊपर में, इसको हमको यूज करना है। कैसे यूज करना, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है KS03 18 से लिखा ना, KS03 18। इसका मतलब KS03 वाले पिन को पिन नंबर 18 के साथ में जोड़ना है, KS14 को पिन नंबर 5 के साथ जोड़ना है, KS17 को पिन नंबर 2 के साथ में जोड़ना है। अब ये पिन नंबर 2 कौन सा, ध्यान देना। तो हम यहाँ पे ABCD जो देख रहे थे ना, ABCD, इसके बारे में ध्यान देना, नीचे यहाँ पे प्रोग्रामर में इसके बारे में डिटेल दिया गया है, ABCDE और यहाँ पे G। तो जैसे कि ये ग्रीन वाला हम देख चुके हैं, रेड वाला ये ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या दिया है, ए कौन सा वाला वायर हुआ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है ए, जो कि हमारा दिख रहा है ये ग्रे कलर का, ठीक है। तो ये ग्रे कलर वाली वायर किसके साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखा है पिन नंबर 18 के साथ में। तो ध्यान देना, ये रहा KS03 और यहाँ पे 18 मतलब इस वाले पिन के, तो इसका 18 नंबर पिन कौन सा होगा, तो ये लग रहा है पिन नंबर 18, 16 इधर 18, ठीक है, 1 2 3 4 इस टाइप का लगा हुआ है। तो इसको डाल देता हूँ पिन नंबर 18 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, KS14, तो KS14 मतलब हमारे इसका B, और B यहाँ पे कलर है येलो, ठीक है। इसको किस में जोड़ना है, पिन नंबर 5 में, तो ये रहा पिन नंबर 5, करेक्ट। नेक्स्ट KS17, तो यहाँ पे KS17 मतलब C, और C का मतलब है हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर, ठीक है। जिसको जोड़ना है किसके साथ में, पिन नंबर 2 के साथ, तो ये रहा पिन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, KS16, तो KS16 दिया है, ये रहा D, और D का कलर है यहाँ पे पर्पल कलर, और इसको जोड़ना है किसमें है,
पिन नंबर 3 के साथ। ये केवल हमको ईएनई प्रोग्राम करते वक्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्टर के डिटेल अलग अलग रहते हैं सभी में, सिर्फ ईएनई में, सिर्फ ईएनई के जितने भी सीरीज होंगे उसी में हमको करना पड़ेगा। फिर दिया KS15 को पिन नंबर 6 में, तो KS15 मतलब ई, और ई क्या है हमारा, ये रेड कलर जिसको जोड़ना है इसके साथ में 6 नंबर के साथ में। तो 6 नंबर इसका ये रहा इस पर, तो इस तरह से कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है, बराबर कनेक्ट हो गया जैसे कि उसमें मेंशन किया गया है, है ना। ये कीबोर्ड का कनेक्टर हमको क्या क्या लगेगा, बोर्ड का पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लिए, और हमारी पिन डिटेल भी यहाँ पे हो गई, कितने पिन का केबल वो भी हम देख लिए। अब सिंपल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब इसको रीड का यहाँ पे एक चीज जरूर बोला है, प्लीज कनेक्ट ग्राउंड एंड A18 B5 C2 D3 E6, तो फिलहाल इसको इग्नोर मारते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे, इसके बाद कुछ एरर देगा तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज और कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे मैं रीड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आयोजित प्रोग्रामर तो ढूंढ लिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, कम्युनिकेशन विद प्रोग्रामर इंस्टॉल्ड, नो कनेक्शन टू KBC, सॉरी जो भी है KB का हमारा आयो चिप, ठीक है। यहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है कि मदर बोर्ड इज कनेक्टेड एंड पावर्ड, तो यहाँ पे ध्यान देना, पावर ऑन करता हूँ, ये पावर ऑन कर दिया, अब फिर से एक बार रीड में प्रेस करता हूँ, ये देखो जैसे ही कनेक्ट हुआ प्रॉपर ये, और यहाँ पे ये सेव करने का ऑप्शन देने लगा। अब इसको मैं जिस भी लोकेशन में चाहूँ उसको सेव करके रख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ LA-9901P KBC, ओल्ड या न्यू जो भी नाम से मैं चाहूँ उसको सेव करके रख सकता हूँ। ध्यान देना डेस्कटॉप में, कहाँ पे सेव करें इसको, डेस्कटॉप में, ये कर लिया उसको सेव, यहाँ पे हो रहा है उसका प्रोसेस, यहाँ पे देखो कलर इसका चेंज हुआ था अभी, ठीक है, इसको डेस्कटॉप में देख, जिस नाम से हम लोग सेव किए हैं ये यहाँ पे रखी है बराबर 128 KB का, और इसको एक्सीडेटर में ओपन करता हूँ तो ये रहा इसके अंदर का पूरा प्रोग्राम। वैसे काफी इजी है इसको यूज करना, बस सही प्रोसीजर और सही चीज फॉलो करने, अगर मैं फ्रेशर के तौर पर मैं फर्स्ट टाइम यूज करूँ उस हिसाब से मेरे लिए भी ये काफी इजी लगा है, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा है एक दो बार सेटिंग के लिए, क्योंकि एक दो बार जैसे हो जाएगा उसका फिर ये आसानी हो जाएगी, तो उस हिसाब से इतना कोई समय लेने वाला भी नहीं है, है ना। तो अगर फ्रेशर के तौर पर भी अगर सोचे तो काफी इजी है इसको यूज करना, ठीक है, नया भी प्रोग्राम करना चाहे तो प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली, रीड का तो हो गया, ठीक है, राइट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, राइट में क्लिक किए तो अब यहाँ से जो भी हमारी आए वाली प्रोग्राम है तो ये इसकी नई वाली प्रोग्राम सेलेक्ट किया, ये प्रोग्राम चालू, यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, प्रोग्राम होते वक्त, रीड होते वक्त ब्लू हो जाता है और प्रोग्राम करते वक्त ग्रीन, और यहाँ पे दिखा रहे कि ये प्रोग्राम हो रहे हैं, देयर इज अ राइटिंग। वेरीफाई भी हो रहा है, ये हो गया कंप्लीट, डाटा रिटर्न करेक्टली, और ये प्रोग्रामर का जो रेड है वो वापिस रेड कलर में आ गया वैलिडिटी में, है ना। तो इस तरह से इसका आयो प्रोग्राम हो गया बिना आयो चुप को बाहर निकाले। अब ऐसे केस में हम क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पहला तो बायोस पासवर्ड अगर है तो आसानी से निकाल सकते हैं, दूसरा चीज नई चिप भी लगा रहे हैं, कोई बंद कंडीशन आया, RSM रीसेट मिसिंग है, समथिंग जो भी होगा जिसकी वजह से हमारा बायोस प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो वो सारे प्रॉब्लम इसमें आसानी से हो सकता है। बिल्कुल इसको चालू करके देख लेता हूँ कि सक्सेस हुआ कि नहीं, तो सिंपल इस केबल को रिमूव कर देता हूँ प्रोग्रामिंग वाली, और इसको एक बार बंद करके चालू करता हूँ फिर से, और देखता हूँ कि बोर्ड चालू हो रहा है कि नहीं, वैसे ऑलरेडी ये चालू था, ये पावर बटन निकला हुआ है, ऑन करता हूँ, वहाँ पे एम्पियर दिखाई देगा अगर चालू होगा तो ये ऑन हो गया बराबर, ठीक है, इसका मतलब आयो प्रोग्राम सही से हो गया है, ठीक है, बराबर एम्पियर इंक्रीज हो गया। अब डिस्प्ले फिलहाल तो नहीं है, डिस्प्ले होता तो वो भी दिख जाता है, ठीक है, तो काफी इजी है वैसे यूज करना।